हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल पेपर जो है उसमें एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ड्यूअलिटी, द्वैतता। सो ड्यूअलिटी क्या है? लीजिए, ये कोई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में और सभी कंस्टेंट्स लेस देन इक्वल साइन के साथ है। यहां राइट हैंड साइड बी जो है वो एक मैट्रिक्स है, एम जिसमें रो और वन कॉलम है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स की जो एंट्रीज है वो नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, किसी भी तरह की हो सकती है, रियल नंबर है। एम एम बाई एन साइज की मैट्रिक्स है। स्पष्ट है, दी गई प्रॉब्लम में एम कंस्टेंट्स है, एन अननोन्स है, अननोन्स का सेट मैट्रिक्स के रूप में अक्ष है। ये कॉलम मैट्रिक्स है, अक्ष ये रो मैट्रिक्स है। कॉस्ट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो गुणांक है अननोन्स के, उनका मैट्रिक्स। इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए एक और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जहां W अननोन्स का एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ अननोन्स m है। इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में नंबर ऑफ अननोन्स उतने ही है जितने इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कंस्टेंट्स, जबकि इस लीनियर प्रोग्रामिंग में नंबर ऑफ कंस्टेंट्स स्पष्ट है। यहां at जो है a का ट्रांसपोज है और इसकी साइज है n बाई n। So, यहां नंबर ऑफ कंस्टेंट्स n है जबकि इस कंडीशन में नंबर ऑफ अननोन्स n है। ध्यान दें, ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जिसमें कंस्टेंट्स की संख्या m है जबकि यहां अननोन्स की संख्या m है, अर्थात यहां कंस्टेंट्स की संख्या उतनी है जितनी यहां अननोन्स की संख्या। दूसरे शब्दों में यहां अननोन्स की संख्या उतनी है जितनी यहां कंस्टेंट्स की संख्या, ठीक वैसे ही यहां कंस्टेंट्स की संख्या n है जबकि यहां अननोन्स की संख्या n है। इस तरह से दोनों प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्योंकि इसकी एग्जिस्टेंस से इसकी एग्जिस्टेंस जुड़ी हुई है। यहां देख सकते हैं bt यहां की जो कॉस मैट्रिक्स है वो राइट हैंड साइड की जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज है। कंस्टेंट्स में जो कॉफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है वो एक दूसरे का ट्रांसपोज है। इसके साथ साथ यहां राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है वो इसकी कॉस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। इस पर से दोनों प्रॉब्लम एक दूसरे से रिलेटेड है और हम इन दोनों प्रॉब्लम्स को एक दूसरे के लिए बोलेंगे ड्यूअल। सो इस प्रॉब्लम के लिए ये ड्यूअल है, ड्यूअल प्रॉब्लम कहें, और इस प्रॉब्लम के लिए ये ड्यूअल प्रॉब्लम। हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए सिंप्लेक्स मेथड से
दूसरी जो कि ड्यूल है उसका का सॉल्यूशन भी उसी प्रॉब्लम से उसी टेबल से हम पढ़ सकते हैं। ध्यान दें हम सिंप्लेक्स मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात करें या इस सिंप्लेक्स मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात करें हम सॉल्यूशन पढ़ सकते हैं। सो कोई प्रॉब्लम हम लें और उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा ड्यूल याद करने के लिए। सो सबसे पहले दी गई प्रॉब्लम को इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होगा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में हो, नंबर टू सभी कंस्टेंट्स लेस देन इक्वल साइन के साथ हो, सभी चर कहें अननोन कहें ग्रेटर देन जीरो साइन के साथ। सो हम सबसे पहले ये पूरा करेंगे जैसा कि पहले सिंप्लेक्स मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैंने आपको क्लियर किया था कि अगर अननोन्स में ग्रेटर देन जीरो साइन के साथ नहीं है, स्पष्ट है ऐसे अननोन्स लेस देन जीरो साइन के साथ या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन की कंडीशन में होंगे। हम मॉडिफाई करेंगे, पूरी प्रॉब्लम मॉडिफाई होगी। सो ये सब लेंगे और सभी कंस्टेंट्स हैं लेस देन साइन के साथ लिखेंगे। यहां लेस देन साइन के साथ लिखते समय हो सकता है राइट हैंड साइड कंस्टेंट्स की नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव होने पर भी हम गौर नहीं करेंगे, ध्यान दें साइन लेस देन साइन का लेंगे। अगर कोई कंस्टेंट इक्वेशन फॉर्म में है तो हम उसकी जगह फॉर एग्जांपल अगर ए इक्वल टू बी के रूप में कोई कंस्टेंट है तो हम इसे ए लेस देन इक्वल टू बी एंड ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी इस तरह से दो कंस्टेंट के रूप में लिखेंगे एंड देन अगेन ए लेस देन इक्वल टू बी एंड माइनस ए लेस देन इक्वल टू माइनस बी। क्योंकि हम सभी को लेस देन साइन के साथ लिख रहे हैं इसलिए इसे भी लेस देन साइन के साथ लिखेंगे अर्थात माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज होगा। सो अल्टीमेटली कंस्टेंट इक्वेशन फॉर्म में है तो उसको दो कंस्टेंट्स में तोड़ेंगे। इस तरह से सभी कंस्टेंट्स लेस देन साइन के साथ लिखेंगे और ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन की फॉर्म में रहेगा। देन हम प्रॉब्लम के लिए ड्यूल इस फॉर्मेट में लिखेंगे। ध्यान दें बी राइट हैंड साइड स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, यहां कॉस मैट्रिक्स और यहां की राइट हैंड साइड यहां की कॉस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। सो इसे में दी गई प्रॉब्लम का हम ड्यूल लिखेंगे। देन हम ड्यूल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। सो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में जब भी हमें किसी प्रॉब्लम का ड्यूल लिखना हो हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हुए प्रॉब्लम का ड्यूल अर्थात एक और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हम इस वे में लिखेंगे। थैंक यू।